हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण समाज के द्वारा होली मिलन व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने उपस्थित होकर होली पर एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी व कवि सम्मेलन में आए कवियों ने अपनी प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने जमकर एक से बढ़कर एक कविताओं का लुत्फ उठाया। कानकुब्ज ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रति वर्ष अनुसार हम लोग फिर होली मिलन और कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जो कि काफी सालों से चलता आ रहा है। कहां पर किया है आपने? चेरीताल परजात बिल्डिंग के पीछे कानकुब्ज सभा भवन है, हमारा खुद का अपना भवन है समाज का, जिसमें हम लोगों ने आज कवि सम्मेलन होली मिलन का कार्यक्रम रखा हुआ है। जी सर, आज के इस जबलपुर संस्कार धनी में कानकुब्ज ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में होली मिलन का कार्यक्रम, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, रंग के साथ फूलों की वर्षा करके यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इसमें हमारे कवि जबलपुर संस्कार धानी के जो माने हुए कवि राष्ट्रीय कवि हैं, उनका भी कार्यक्रम है, और उस कार्यक्रम के तहत आज हम यह संदेश देना चाहते हैं कि होली का पर्व जो है वो आपस के भेदभाव भुलाकर मिलन, आपसी तालमेल, द्वेष भावना छोड़कर और मिलन की एक गति देखकर हमारे ब्राह्मण समाज और अन्य लोगों से भी हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि सब भेदभाव छोड़ते हुए और आगे हमें अपने जबलपुर साथ में प्रदेश को भी ये एक जाहिर करें हम कि होली मिलन के अवसर पर अपने आप की मानवीता को आगे दर्शाते हुए और आगे का यह कार्यक्रम हम लोग जो है संपन्न हम लोगों ने किया।